नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल DSR जोन में। मित्रों, यदि आप किन्हीं दो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ देखना चाहते हैं, दो लोगों के बीच दूरी पैदा करना चाहते हैं, उन्हें एक दूसरे से लड़ता हुआ भिड़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो मित्रों आज का हमारा ये उपाय आप करके उन दोनों को इस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। बहुत साधारण सा उपाय है मित्रों, मात्र एक कागज पर आपने बताया गया लिखना है और उस कागज को जलाना है। किस तरह से मित्रों, ये हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने इस उपाय को करना है, अंजाम देना है। मित्रों, छोटी सी वीडियो है, अंत तक अवश्य देखें व सुने पूरे ध्यान पूर्वक, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे वंचित ना रहे। पूरे विश्वास के साथ इसे आप करें, आपको अवश्य ही इस उपाय से फायदा हो सकता है। क्या करें मित्रों, आप किसी भी शनिवार, रविवार या बुधवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी समय करें, कोई बाध्यता नहीं है। अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से धोकर, या स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें, धोले हुए वस्त्र साफ सुथरे पहनकर एक आसन लगा लें या कोई धुला हुआ साफ कपड़ा जमीन पर बिछा लें, किसी भी रंग का। मित्रों, बैठते समय अपनी दिशा पूर्व की रखें, यानी अपने मुख की दिशा आप पूर्व की रखें और उस तरफ मुख करके आप बैठें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप जमीन पर पालथी लगाकर बैठ जाएं और अपने सामने मित्रों एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला लें। इसके बाद मित्रों आपने क्या करना है, एक सफ़ेद रंग का छोटा कागज का टुकड़ा, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, ले लें और साथ में आप किसी भी रंग का कोई भी पेन, स्केच पेन या मार्कर रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है मित्रों, इस कागज पर जैसा कि दिया गया है ये लिखना है। हम आपको बता रहे हैं यह मंत्र किस प्रकार से है। मैं तेरो नाम जपूं, जो तू करे ये काम, बस दो हो जाए जान के दुश्मन, कर दे ऐसा काम। मित्रों, दो के स्थान पर आपने उन दोनों व्यक्तियों का, जिनको आपने अलग करना है, स्त्री है पुरुष है जो कोई भी है, उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। एक के बाद एक लगातार लिख दें, केवल मुख्य नाम ही लिखें मित्रों, जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। और उसके बाद मित्रों आपने क्या करना है, एक लौंग और चार चावल के दाने, बिल्कुल साबुत, खंडित ना हो, सफ़ेद लंबे दाने, इस कागज़ में रख दें और इस कागज को दो बार फोल्ड करें। और फोल्ड करने के बाद आप जो ये लिखा गया है इसे तीन बार पढ़ें और तीनों बार पढ़ते समय दो के स्थान पर उन दो व्यक्तियों का नाम अवश्य लें। मित्रों, जब आप ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपने उस समय उन दोनों व्यक्तियों के बारे में सोचना है, उन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे से लड़ते भिड़ते खिलाफ होते हुए देखना है। इतना करने के बाद अब आप क्या करें, इस कागज को आप सामने रखे दीपक की मदद से जला दें। जब यह पूरे तरीके से जल जाए, चावल और लौंग समेत, तो जो भी अवशेष बचें उसे आप किसी अन्य कागज पर रखकर घर से बाहर ले जाएं, किसी बर्तन में भी ले जा सकते हैं, और किसी भी बाहर, घर से बाहर आप ईंट के नीचे इस राख को डालें और ईंट से या पत्थर से आप दबा सकते हैं, ढांक दें। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर की छत पर भी इसे किसी ईंट या पत्थर की मदद से दबा सकते हैं, उसके नीचे रखकर। अब आप वापस घर के भीतर आ जाएं और जो दीपक आपके सामने रखा है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ पर रख दें। यदि आप पेड़ पौधे की जड़ पर उसे नहीं रख सकते, तो आप या आपके घर के पास
ऐसी कोई समस्या है कि कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, तो आप उसे किसी दीवार के सहारे रख सकते हैं। इतना करने के बाद मित्रों, आपने क्या करना है, अपने हाथ मुंह पैर दोबारा एक बार अच्छे से धो लें और स्वच्छ हो जाएं। मित्रों, बहुत ही शक्तिशाली यह उपाय है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो पहले मिनट से ही, यानी उसी पल से यह अपना कार्य शुरू कर देगा। और यदि वो व्यक्ति आपके आसपास ही है तो आपको सरलता से दिख जाएगा कि किस प्रकार से उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। मित्रों, इस शक्तिशाली उपाय को करते समय ध्यान में रखें, बेवजह बिना किसी कारण आप इसे किसी के ऊपर ना आजमाएं। मात्र जलन मात्र से आप किसी के ऊपर इसे ना करें। हमारा आप सभी से अनुरोध है। जाने से पहले मित्रों, आप सभी से हर बार की तरह अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए अवश्य ही दबा दें, ताकि आपको सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें। साथ ही मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्रगण भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, सारी जानकारी वीडियो में आपको दे दी गई है, फिर भी आप किसी संशय में हैं और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज @zonedsr पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें वहां फॉलो करके अपना प्रश्न हमसे वहां पूछ सकते हैं। हम आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। अब लेते हैं इजाज़त मित्रों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, औरों को भी खुश रहने दें। धन्यवाद। नमस्कार।